नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आए कोरोना के 10 से कम मामले। बिहार के इन 10 जिलों में बढ़ रहा है बाल विवाह का ट्रेंड। बिहार पंचायत चुनाव में युवाओं ने मारी बाजी, अब बिना मास्क पकड़े जाने पर इतना देना होगा जुर्माना। बिहार में नशा मुक्ति अभियान में आएगी तेजी, जारी हुआ टोल फ्री नंबर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आए कोरोना के 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 84 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो ईस्ट चंपारण में 1, मुंगेर में 1, समस्तीपुर में 1 और पटना में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,07,356 सैंपल की जांच की गई, वहीं 2 मरीज इस दौरान ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार पंचायत चुनाव में युवाओं ने मारी बाजी। बिहार में पंचायत चुनाव अब समाप्त हो चुकी है। 11 चरणों का मतदान खत्म हो गया है और आज मतगणना जारी है। हालांकि इस बार के पंचायत चुनाव में युवाओं का बोलबाला खूब देखने को मिला, क्योंकि इस चुनाव में अब तक 60% से अधिक सीटों पर युवा चेहरों ने जीत दर्ज की है। प्रदेश में कुल 2,47,656 सीटों पर मतदान करवाए गए हैं। इनमें अंतिम चरण के चुनाव में पहले 17,286 सीटों के चुनाव परिणाम 14-15 दिसंबर को आ जाएंगे। 10वें चरण तक की बात करें तो 1.48 लाख सीटों पर युवा चेहरे जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि इस बार युवा चेहरे बड़ी संख्या में जीत दर्ज कर रहे हैं। आयोग समग्र रूप से नए चेहरे, युवा चेहरे, महिला और पुरुष उम्मीदवारों की जीत, शिक्षा सहित अन्य बिंदुओं पर समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके लिए आयोग के स्तर पर सॉफ्टवेयर विकसित कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कोरोना टीकाकरण का 9 करोड़ डोज हुआ पूरा। बिहार में जारी टीकाकरण अभियान हर दिन नए कीर्तिमान दर्ज कर रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है, जिसके तहत बिहार में अब तक 9 करोड़ टीकाकरण का काम हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि देश की 50% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो चुकी है और वैक्सीनेशन की ये स्पीड बनाए रखनी होगी, और अब बिहार में ऐसा हो भी रहा है, जिसकी पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। सीबीएसई 10वीं के हजारों छात्र छात्राओं को हुआ फायदा। सीबीएसई की एक गलती का फायदा बिहार के 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं को होने वाला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस बात को स्वीकार किया है कि परीक्षा में आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका आयोजन 11 दिसंबर को करवाया गया था। यह एक पैराग्राफ था जिसके लिए 6.4% अंक निर्धारित किए गए थे। प्रश्न पत्र को लेकर शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की तरफ से शिकायत की गई थी, जिसकी जांच कराई जा रही है। छात्रों की शिकायत के बाद सभी परीक्षार्थियों को इसके लिए अंक देने का अनिवार्य फैसला लिया गया है। इसी बीच 10वीं की गणित की परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर भी शिकायतों का दौर जारी है। अब बिना मास्क पकड़े जाने पर इतना देना होगा जुर्माना। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही मास्क का अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित करवाने के लिए 5 धावा दल को स्माहर नाले परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि आने वाले समय में भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने वाली है। साथ ही अब जो भी लोग बिना मास्क के पकड़े जाएंगे उनके ऊपर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी सिटी बसों में कोई भी खड़ा होकर सफर नहीं करेगा। यात्री खड़े पाए गए तो बस चालक पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर बस दोबारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पकड़ी गई तो उसे जब्त भी किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको कोरोना संबंधी कोई भी जानकारी हासिल करनी है तो आप 0612-221-9080 या फिर 0612-224-9964 पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। कल से सिंगल यूज प्लास्टिक करने पर हो सकती है कार्रवाई। बिहार में प्लास्टिक से बढ़ रही प्रदूषण के रोकथाम को लेकर बिहार सरकार अब सजग हो गई है। यही कारण है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक दिए गए आदेश के अनुसार बिहार में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ निर्माता इस फैसले से खासा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन अभी राज्य में
नहीं हो रहा है। इसका उत्पादन मई 2022 से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में प्रतिबंध लगने के बाद सूबे के लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। पटनावासी हो जाए सावधान, जहरीली हवा में ले रहे हैं सांस। राजधानी पटना वासियों को सावधान होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि भले ही वो अपने खान पान का कितना भी ख्याल क्यों न रख ले, लेकिन आप दिन भर जहरीली हवा ले रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि पटना का AQI बता रहा है। पटना में हवा की गुणवत्ता दिल्ली सहित देश के कई अन्य बड़े शहरों से ज्यादा खराब रिकॉर्ड की जा रही है। पटना का AQI लेवल रविवार को 304 तो सोमवार को 356 दर्ज किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर का प्रदूषण ग्राफ सोमवार को 352 AQI पहुंच गया, जबकि रविवार को यहां 333 AQI था। पर्यावरणविदों की माने तो जब हवा में AQI स्तर 300 से ज्यादा हो जाता है तो ये सांस लेने के हिसाब से बेहद खतरनाक मानी जाती है। बिहार में नशा मुक्ति अभियान में आएगी तेजी, जारी हुआ टोल फ्री नंबर। बिहार मद्य निषेध विभाग की तरफ से नशा मुक्ति अभियान में और ज्यादा तेजी लाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर मद्य निषेध विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर 15545 और 1800345626268 जारी कर दिया गया है, जिस पर हर दिन लगभग 180 फोन कॉल आते हैं, जिसकी जानकारी मद्य निषेध आयुक्त डी कार्तिक धन जी ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि दिसंबर महीने में अब तक कुल शराब मामलों में 535 छोटे बड़े वाहनों को मद्य निषेध विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जिसमें 35 बड़े ट्रक है, जिसे जल्द नीलामी की प्रक्रिया में लाया जाएगा। पंकज त्रिपाठी ने एक्टर बनने के सफर को किया याद। बॉलीवुड में पंकज त्रिपाठी का नाम आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि पंकज ने अब तक बैक टू बैक कई शानदार फिल्में की हैं। लेकिन हर अभिनेता की तरह पंकज त्रिपाठी का भी यह सफर आसान नहीं रहा, जिसको लेकर उन्होंने अब बहुत बड़ा खुलासा किया है। हाल ही में पंकज फिल्म 83 के प्रमोशन के लिए आए थे, जहां उन्होंने कहा कि 83 की जो कहानी है और मेरी जो यात्रा है वो यही है कि दुनिया में अजूबा हो सकता है। मैं जहां से आता हूं, वहां जब मैं मेरे गांव में लोगों को कहा करता था कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूं, तो वो न केवल हंसते थे बल्कि इस पर शक भी करते थे और इस शक में पड़ जाते थे कि मैं पागल हो गया हूं। बिहार में बढ़ी ठंड, न्यूनतम तापमान पहुंचा 8 डिग्री सेल्सियस तक। बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भले ही ठंड का आगमन देरी से हुआ हो, लेकिन अब असर साफ तौर पर दिखने लगा है। आलम कुछ यूं है कि बीते 24 घंटे के दौरान मौसम तो शुष्क बना रहा और बिहार का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं अधिकतम औसत तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन होने की संभावना हालांकि नहीं जताई गई है। सुबह के समय प्रदेश के एक या दो जगह पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। 20 जिलों के पारा मेडिकल संस्थानों में होगी कई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय अवसर बढ़े और आगे पढ़े के तहत प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के 20 जिले में संचालित सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें 2135 सीटें आवंटित की गई है। अगले शैक्षणिक सत्र में इन संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि इसमें बक्सर, गोपालगंज, मुंगेर, सहरसा, लखीसराय, जमुई, अरवल, सारण, खगड़िया, मधुबनी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सुपौल, भभुआ, जहानाबाद, शेखपुरा, कटिहार, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया और किशनगंज जिले में कोर्स की शुरुआत की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग छात्र छात्राओं को प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहा है। बिहार के इन 10 जिलों में बढ़ रहा है बाल विवाह का ट्रेंड। कम उम्र में बेटियों को ब्याहने की समस्या बिहार में आम बात रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब बिहार में इसका चलन कम हो गया है। बतौर राज्य बिहार की हालत में पहले से ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन बिहार के 10 जिलों में अब भी स्थिति ठीक उलट है। आलम कुछ यूं है कि बिहार के भागलपुर, बांका, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, पूर्वी चंपारण और दरभंगा में 18 की उम्र से पहले बेटियों की शादी कर देने का चलन बढ़ता जा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 यानी कि साल 2015-16 में जहां बिहार की 42.5% बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में होती थी, वहीं NFHS 5 यानी साल 2019-20 में बिहार की बेटियों की नाबालिग उम्र में शादी करने का प्रतिशत घटकर 40.8 पर आ गया। लेकिन बिहार के इन जिलों में 4 साल में ही बेटियों की कम उम्र में शादी के ट्रेंड में करीब 1.5 गुने का इजाफा हुआ है। भाजपा ने खुले में नमाज पर रोक लगाने की उठाई मांग, नीतीश ने कहा ये। देश भर में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग लगातार की जाती रही है। बिहार में भी ये मामले खूब उठाए जा रहे हैं। हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से
सत्ताधारी गठबंधन के घटक भाजपा के एक विधायक ने भी बिहार में जुम्मे पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसको लेकर अब सीएम नीतीश ने अपना रुख साफ कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा कि बिहार में ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, राज्य के सभी लोग हमारे लिए एक समान है, सबको अपने ढंग से ध्यान रखना चाहिए। वही उन्होंने कोरोना में लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला देकर कहा कि जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो सख्ती बढ़ती जाती है। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ पटना के प्रसिद्ध मंदिरों का करेंगे दर्शन। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी संग बिहार बीते दिन ही पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री के साथ पटना के प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज तेजस्वी और उनकी पत्नी पटना के प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन करेंगे और ईश्वर से आशीर्वाद लेंगे। हालांकि जानकारी तो ये भी निकल करके सामने आई है कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ अपने पैतृक गांव फुलवरिया भी जाने वाले हैं। वहीं अपनी शादी को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि हम समाजवादी नेता रहे हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि लोहिया ने कहा था कि एक बार किसी महिला को वचन दे दिया तो पीछे नहीं हटना। वहीं राजश्री ने बताया कि वो तेजस्वी में अच्छे राजनेता को देखती है। मार्च में भारत का दौरा करेगी अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को अपनी आगामी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसमें भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज भी शामिल है। इस सीरीज अगले साल मार्च महीने में भारत में खेली जाएगी। दोनों देशों का वनडे फॉर्मेट में अब तक वर्ल्ड कप या एशिया कप में ही आमना सामना हुआ है, लेकिन पहली बार दोनों के बीच बाईलेटरल सीरीज का आयोजन होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अगले 2 साल का शेड्यूल जारी किया है। इसमें वो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों से भिड़ती नजर आएगी। इस दौरान कुल 3 टेस्ट, 37 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। इसमें आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप के मैच भी शामिल है। अगर अफगान टीम किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचती है तो उसके मैच की संख्या बढ़ जाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विनोद मंडल, राजा सौम्या, खान अली, शंकर मुखिया, भोले भोले, सौरभ मिश्रा, गौतम एंटरटेनमेंट, सरोज कुमार, विकास कुमार, तनु कुमारी, समीर यादव, विनय रॉय, नुनु कुमार, ममिता कुमारी, सूरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार टीम इंडिया के बतौर कप्तान रोहित शर्मा या विराट कोहली में से कौन बेहतर विकल्प है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।